हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज इस वाले वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूं दोस्तों क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन का स्टेल्थ ब्लैक वाला वेरिएंट। एंड इस वेरिएंट की सबसे ज़्यादा डिमांड जो है रहती है, दो वेरिएंट आते हैं इसमें, एक स्टेल्थ ब्लैक आता है एंड एक गन मेटल ग्रे आता है। वैसे तो दोनों ही जो वेरिएंट है अपनी अपनी जगह है दोस्तों ये, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो बिकता है, जो सबसे ज़्यादा सेल होता है, वो होता है स्टेल्थ ब्लैक एज कम्पेयर टू गन मेटल ग्रे। दोनों ही जो वेरिएंट है क्लासिक 350 के डार्क सीरीज में आते हैं, तो डार्क सीरीज के ही हैं दोनों वेरिएंट। एंड ये जो है ये प्योर डार्क में जो आप लोगों को मिलता है, इसके बारे में आज आप लोगों को सारी डिटेल जो है मैं देने वाला हूँ। फ्रेंड्स, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, प्राइस, फाइनेंस, साउंड, माइलेज, सब चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो देखेगा प्लीज़ पूरी। एंड चैनल पे आप लोग नए हैं तो जल्दी से आकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जो रेड कलर का बटन आ रहा हो उसको दबा दीजिए जल्दी से। एंड अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक प्लीज़ जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए करते हैं सबसे पहले स्पेसिफिकेशन से शुरुआत। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं इस बाइक की जो पूरी पूरी बेसिकली थीम है वो ब्लैक कलर की बनाई गई है। एंड इस पर रेड थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ है इसकी लुक को और ज़्यादा एनहेंस करने के लिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें अलॉय व्हील पर आप लोगों को रेड जो है वो स्ट्रिपिंग देखने को मिल जाएगी, टैंक पे आप लोगों को रेड मिलेगा, क्लासिक 350 के ऊपर आप लोगों को रेड मिलेगा। आप लोग ये देख सकते हैं जो रियर अलॉय व्हील है, इस पर भी आप लोगों को हल्का हल्का रेड का जो कंट्रास्ट है वो देखने को लाइन मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं इसके टायर से दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं इस बाइक के अंदर आप लोगों को कंप्लीटली ट्यूबलेस टायर जो है वो मिलेंगे। एंड क्लासिक 350 में ये वन एंड ओनली ऐसा वेरिएंट आता है डार्क सीरीज जिसके अंदर आप लोगों को अलॉय व्हील एंड ट्यूबलेस टायर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अदरवाइज जितने भी क्लासिक 350 में वेरिएंट आते हैं दोस्तों, सभी के अंदर आप लोगों को ऐसे स्पोक रिम्स देखने को मिलते हैं जिसके अंदर आप लोगों को ट्यूब टायर मिलता है। एंड ये एक ऐसा वेरिएंट है जो एक अच्छी वैल्यू आप लोगों को प्रोवाइड करता है। एंड इसी के साथ साथ आप लोगों को दोस्तों इसमें अलॉय व्हील भी देखने को मिलेंगे एंड ये 10 स्पोक अलॉय व्हील्स आप लोगों को मिलते हैं। टायर प्रोफाइल की बात करूँ, फ्रंट टायर आप लोगों को 190x19 इंच का देखने को मिलता है इसमें। एंड जो रियर टायर है वो आप लोगों को 120x18 इंच का देखने को मिलता है। फ्रंट बैक दोनों ही आप लोगों को ट्यूबलेस टायर मिलेंगे एंड ड्यूअल डिस्क ड्यूअल चैनल ABS आप लोगों को इसके अंदर मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं रियर में वाइब्री की ब्रेकिंग एंड डिस्क आप लोगों को मिलती है। फ्रंट के अंदर भी आप लोगों को वाइब्री की ब्रेकिंग मिलेगी, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि काफ़ी बढ़िया ब्रेकिंग बन जाती है, प्रीमियम ब्रेक्स होती है। थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके मडगार्ड के बारे में। आप लोग देख सकते हैं इसमें आप लोगों को एक काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड मडगार्ड देखने को मिलता है। आप लोग मेरे हाथ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ज़्यादा ब्रॉडनेस इसकी आप लोगों को मिलती है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड आप लोगों को मिलता है। एंड ये भी अलग, एंड ये भी आप लोगों को मैट ब्लैक ही देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आप लोगों को इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, रियर में इसके अंदर आप लोगों को हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, बात करते हैं इसकी हेडलाइट के बारे में। तो ये इसकी ओवल शेप की आप लोगों को हेडलाइट मिलती है जिसके अंदर रॉयल इनफील्ड का जो लोगो है वो आप लोगों को दोस्तों मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। एंड ये हेलोजन बल्ब वाली हेडलाइट है एंड इसके अंदर कहीं पे भी आप लोगों को DRL या LED वगैरह का यूज़ नहीं किया गया। बाइक को जो दोस्तों पूरा ओल्ड स्कूल रेट्रो लुकिंग फील जो है देने की पूरी कोशिश रॉयल इनफील्ड ने की है। तो इसके अंदर आप लोगों को ऐसा कुछ भी जो है बल्ब वगैरह या LED चीज़ आप लोगों को नहीं मिलेगी, ठीक है। एंड इसके अंदर आप लोगों को हेडलाइट कैप मिलती है जो कि क्लासिक की पहचान होती है। ऊपर आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही पायलट बल्ब देखने को मिलेंगे, आप लोग देख सकते हैं। एंड इसके नीचे आप लोगों को जो इंडिकेटर्स इसके मिलेंगे, आप लोगों को मैट ब्लैक कलर के इंडिकेटर्स जो है वो मिलते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट साइज़ के आप लोगों को मिलेंगे, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया लगती है सामने से देखने में। एंड उसके सस्पेंशन फॉक्स है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड आप लोगों को मिलता है, तो जिस वजह से जो उसकी लुक है वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर सी लगती है बाइक देखने में। आप लोग इसके फ्रंट से लुक चेकआउट करेंगे, इसके अंदर जो आप लोगों को साइड मिरर्स मिलेंगे वो आप लोगों को ब्लैक कलर के मिलेंगे, क्रोम इसके अंदर आप लोगों को साइड मिरर्स नहीं मिलते हैं। बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों इस बाइक का। एंड ये आप लोग देखेंगे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि आप लोगों को सेमी डिजिटल मीटर मिलता है इसके अंदर। एंड इसके अंदर आप लोगों को 160 की टॉप स्पीड मिलती है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों इसमें सेमी डिजिटल मीटर मिलता है जिसके अंदर आप लोगों को डिजिटल मीटर मिलता है। एंड इसके अंदर आप लोगों को AAA, BBB, FFF सारी नेविगेशन इसके अंदर आप लोगों को शो करता है। यहाँ से ही आपकी बाइक दोस्तों ऑन होगी, यहाँ से लॉक हो जाएगी। साइड से पहले लगाना पड़ता था रॉयल इनफील्ड में, वो रॉयल इनफील्ड ने चक्कर जो खत्म कर दिया है, अभी सिर्फ यहीं से आपकी जो की है वो लगेगी। बाकी ब्लैक कलर का आप लोगों को इसके अंदर जो हैंडल है वो देखने को मिल जाता है। स्विचेस जो हैं इसके काफ़ी ज़्यादा एक इसकी लुक को काफ़ी ज़्यादा एनहेंस करते हैं, काफ़ी नए मॉडर्न स्टाइल में स्विचेस इसके आप लोगों को मिलते हैं। एंड जो इनकी क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया आप लोगों को मिलती है, मतलब फील होता है कि हाँ एक प्रीमियम बाइक है, ठीक है। मतलब आपने जो इतने पैसे खर्च किए उस 2.5 लाख रुपये एंड वो आपको इस मॉडल पर जस्टिफाई होते हुए पूरे दिखते हैं दोस्तों। बाकी जो इसके स्विचेस आप लोगों को सारे ही मिल जाते हैं, हेडलाइट, पास स्विच, इंडिकेटर, हॉर्न, साथ में आप लोगों यहाँ पे सेल्फ का स्विच मिलेगा एंड आप लोगों को यहाँ पे किल स्विच मिलता है। एंड इसके नीचे आप लोगों को हैजार्ड्स का भी स्विच देखने को मिलता है। अभी इस बाइक के अंदर दोस्तों ओनली सेल्फ आप लोगों को मिलता है, किक इस वेरिएंट के अंदर आप लोगों को नहीं मिलती है क्योंकि क्लासिक में जो नई वाली रिबॉन आई है रॉयल एनफील्ड उनमें से किक जो हटा दी है।
बात करते हैं इसके टैंक के बारे में, तो ये काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर सा 30 लीटर्स का फ्यूल टैंक आप लोगों को मिलता है। इसका कम्प्लीटली मैट ब्लैक कलर में टैंक आप लोगों को इसका मिलता है, एंड जो स्ट्रिप एंड स्ट्रिप्स हैं रेड कलर की, वो आप लोगों को इसमें जो है देखने को आसानी से मिल जाती हैं। एंड रॉयल इनफील्ड का जो लोगो है यहाँ पे आप लोगों को 3D में मिलता है, एंड सिल्वर में आप लोगों को ये रॉयल इनफील्ड का लोगो मिल जाता है। बाकी आप लोगों को थाई ग्रिप्स दोनों ही साइड में देखने को इसमें मिलती हैं, एंड ये इसकी लुक आप लोगों को मिलती है, जो कि टैंक है इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में। एंड जो सबसे ज़्यादा जो कलर है डार्क सीरीज में, गन मेटल में और डार्क में, वो इसी वजह से बिकता है, क्योंकि जो इसकी रेड स्ट्रिपिंग है ये लुक को काफ़ी ज़्यादा एनहेंस कर देती है। एंड अगर मैं बाइक आप लोगों को पीछे से पूरी दिखाऊं तो ये इसकी ओवरऑल लुक आप लोगों को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, मतलब लगता है कि हाँ एक प्रीमियम सी बाइक है। दोस्तों थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं, बात करते हैं इनकी सीट के बारे में। तो ये आप लोगों को इनकी सीट्स मिलती है फ्रंट बैक दोनों, इसमें स्प्लिट सीट आप लोगों को मिलती है। एंड जो कंफर्ट है वो दोस्तों काफ़ी बढ़िया आप लोगों को इसके अंदर मिलता है। एंड ये आप लोगों को इसकी ग्रिल जो है वो देखने को मिलती है, बैकरेस्ट आप लोगों को मिलता है, सिंगल रोड में आप लोगों को मिल जाता है। बाकी जो होल्डर है वो आप लोगों को इस साइड में मिलेगा इसके अंदर, एंड दूसरी साइड भी आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो सीट है सबसे बढ़िया, तो इसकी सीट लगती है मेरे को दोस्तों जो पिनियन राइडर सीट है, ये स्पेशली लॉन्ग राइड्स के लिए ही बनाई गई है, ताकि आप इसको लॉन्ग राइड लेके जाएं तो बिल्कुल भी आप लोगों को जो दिक्कत वगैरह है वो ना हो। थोड़ा सा नीचे आते हैं, बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो दोस्तों ये है इसका कम्प्लीटली ब्लैक कलर का इंजन, जो कि आप लोगों को मैट ब्लैक कलर में मिलता है। एंड जो इसका इंजन है, साइलेंसर है, बैंड पाइप है, कम्प्लीटली आप लोगों को इसके अंदर ब्लैक कलर का ही दिया जाता है। आप लोग देख सकते हैं कम्प्लीटली ब्लैक थीम है इसके अंदर आप लोगों को जो मिलती है। अगर मैं आप लोगों को उसका दूसरी साइड से इंजन दिखाऊं तो दोस्तों ये आने वाली है इसकी दूसरी साइड से इंजन की लुक, आप लोग देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड इसके अंदर आप लोगों को 349 सीसी का इंजन मिलेगा, जो प्रोड्यूस करता है 20.1 bhp की पावर विद 27 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। एंड स्पेक के अंदर आप लोगों को 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलेगा, एयर कूल इंजन आप लोगों को मिलता है। एंड ये जो देख सकते हैं आप लोग स्प्लिट चेसिस के अंदर आप लोगों को मिल जाती है। तो ये है इसकी लुक आप लोगों को जो मिलती है। अब बात करते हैं इसके साइड बॉक्सेस के बारे में। तो ये साइड पैनल आप लोगों को जो मिलेगा इसका, ये आप लोगों को वो मैट ब्लैक कलर में मिलेगा। एंड क्लासिक 350 का जो लोगो है आप लोगों को स्टिकर में देखने को मिल जाएगा। रियर बाकी लुक आप लोगों को मैंने दिखा दी है। अब बात करें इसके रियर मडगार्ड के बारे में। तो ये आने वाला इसका रियर मडगार्ड काफ़ी ब्रॉड आप लोगों को मिलता है, आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा मस्कुलर है भी, एंड काफ़ी ज़्यादा बोल्ड आप लोगों को मिलता है। रॉयल इनफील्ड के पीछे आप लोगों को एक स्टिकर लोगो मिल जाएगा यहाँ पे। एंड जो इसकी रियर लुक है ये आप लोग देख सकते हैं, इसके टेल लाइट इंडिकेटर आप लोगों को मिलती है, सब आप लोगों को बल्ब वाला ही मिलेगा, कहीं पर भी कोई LED वगैरह का यूज़ नहीं किया गया है, पीछे आपकी नंबर प्लेट यहाँ पे लग जाती है। तो ये आने वाली इसकी रियर की लुक भी आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड्स बाकी सारी स्पेसिफिकेशन आप लोगों को मैंने इस बाइक की बता दी हैं, एंड जो डायमेंशन है इसकी आप लोगों की स्क्रीन पे देखी आ रही होंगी इसके डायमेंशंस वगैरह। एंड बात करते हैं इसकी प्राइसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स ये ऑन रोड आप लोगों को दिल्ली में कॉस्ट करती है 2,46,626 रुपीज़ ऑन रोड प्राइसेस का दिल्ली का। अब बात करते हैं इसकी माइलेज के बारे में। फ्रेंड्स इसकी माइलेज आप लोगों को ईजिली 35 से 42 की माइलेज आप लोगों को मिल जाती है। बाकी माइलेज डिपेंड करती है आपके चलाने के तरीके के ऊपर, आप कितने अच्छे से इसको चला रहे हैं। अब जितनी अच्छे से इसको राइड करेंगे फ्रेंड्स, आपकी माइलेज उतनी ही बढ़िया आपको मिलने वाली है। फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को इसके सारी स्पेसिफिकेशन बता दी है, माइलेज के बारे में हमने बात कर ली है, एंड हमने इसकी प्राइसिंग के बारे में बात कर ली है। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आज की इस वाली वीडियो को एक लाइक प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं कल शाम 6 बजे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।